हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका विषय गणित कक्षा 8वीं लेके आए हैं, जो जिसमें आज आपको हम पार्ट 11 क्षेत्र मिति पढ़ाएंगे। बच्चों, आपको इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका से ही तैयारी करना है, क्योंकि आपकी परीक्षा जो 8वीं की है बोर्ड परीक्षा होगी, और ये परीक्षा है आपकी 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी, और अधिकतर प्रश्न जो हैं आपकी एडगेट अभ्यास पुस्तिका से ही आएंगे। इसलिए आपको विशेष रूप से एडगेट अभ्यास पुस्तिका से ही तैयारी करना है। बच्चों, पहले प्रावधान था कि सभी बच्चों को पास करना है, लेकिन अब जो आपकी जो एग्ज़ाम है बोर्ड एग्ज़ाम हो रहे हैं, इस एग्ज़ाम में जो बच्चा पास होगा उसे ही आगे की क्लास में जाने मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं पार्ट 11 में क्षेत्रमिति इसका अध्ययन करेंगे। इसमें क्या क्या दिया है, समानांतर चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, आपका घन है, घनाभ है, बेलन है, इनका पूरा अध्ययन इस अध्याय के माध्यम से दिया गया है। तो इससे पहले आपको सब सूत्रों को अनिवार्य रूप से याद करना अनिवार्य है। यदि आपको सूत्र मालूम है तो ही इन प्रश्नों को आप हल कर पाएंगे। तो इसलिए आप अपनी अभ्यास पुस्तिका जो है पाठ्य पुस्तक, उससे प्रत्येक सूत्रों को का अध्ययन कीजिए। समानांतर चतुर्भुज क्या होता है, समलंब चतुर्भुज क्या होता है, इन सभी का आपको अध्ययन करना अनिवार्य है। यहाँ पर एडगेट अभ्यास पुस्तिका में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हैं, उन प्रश्नों को आपको हल करना है, और उनसे संबंधित अन्य और प्रश्न हैं जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए हैं, उनसे भी देख के आपको हल करना है। तो ठीक है, चलिए बच्चों, हम प्रश्न क्रमांक 1 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 क्या कह रहा है, चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पे ये प्रश्न में देखिए क्या दिया हुआ है, चतुर्भुज दिया है PQRS। चतुर्भुज क्या होता है, चार रेखाओं से बंद आकृति क्या कहलाती है, चतुर्भुज कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए, आपको ये एक आकृति बनी हुई है चतुर्भुज की PQRS। इसमें एक ऊंचाई दी हुई है जो लंब है, जहाँ 90° कोण बनता है, जो कितने सेंटीमीटर दी हुई है, 3 सेंटीमीटर दी हुई है, और ये एक रेखा दी हुई है QS, ये कितनी है, 4 सेंटीमीटर, और दूसरी ऊंचाई और दिया है दूसरे त्रिभुज पे, ये दी हुई है आपकी 2 सेंटीमीटर। आपको क्या ज्ञात करना है, PQR का क्षेत्रफल। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप सबसे पहले जो QS है, QS को क्या नाम देंगे, D। ये रेखा जो है आपकी QS, इसको नाम दे दी हमने D। D बराबर कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर, और एक ऊंचाई दी हुई है ये आपकी, ये वाली, इस ऊंचाई को हमने H1 नाम दिए, बराबर 3 सेंटीमीटर। दूसरी ऊंचाई दी है यहाँ पे, ये इसे H2 नाम दिए, ये दी है आपकी 2 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आप लिख दीजिए, D बराबर 4 सेंटीमीटर, H1 बराबर 3 सेंटीमीटर, H2 बराबर 2 सेंटीमीटर। और क्या ज्ञात करना है आपको, चतुर्भुज PQR का क्षेत्रफल। तो आप लिख देंगे, चतुर्भुज PQR का क्षेत्रफल बराबर 1/2 D गुणित कोष्टक में H1 धन H2, यानी इसको आधा करना है और डी का गुणा करना है, और जो आपकी ऊंचाई H1 और H2 है इनको जोड़ देना है। तो आपको क्या मालूम हो जाएगा, चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल। देखिए, अब हमने क्या किए, 1/2 लिख दिए, डी का मान कितना है, 4, डी का मान लिख दिए हमने, ये 4 लिखे, गुणित कोष्टक शुरू किए, H1 का मान कितना है, 3, H1 का मान 3 लिख दिए, धन H2 का मान कितना है, 2, कोष्टक बंद कर दिए। अब देखिए, जो यहाँ पे कटता है उसे काट दीजिए, क्योंकि यहाँ पे गुणा में है, तो ये 2 का भाग 4 में चल जाएगा, 2 का भाग 4 में कितने बार गया, 2 बार गया, तो 2 दूनी 4, तो ये हमने 2 लिख दिए। फिर गुणित 3 में 2 जोड़े कितना हो गया, 5। अब बचा के यहाँ पे देख लीजिए, ये 2 और 3 और 2 कितना हो गया, 5। अब 2 का 5 में गुणा कर दीजिए, 2 का 5 में गुणा की, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 आ गया, और क्षेत्रफल जो होता है कायम होता है वर्ग सेंटीमीटर में, हम क्या लिख देंगे, 10 सेंटीमीटर का वर्ग, या इसे
वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। और लास्ट में एक लाइन में लिखेंगे, अतः चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर है। इस प्रकार आपका ये प्रश्न क्रमांक एक था जो हल हो गया। तो इस प्रकार से आप पेपर में हल करेंगे, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, इसमें कहीं पे भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, क्योंकि गणित में यदि आपने पूरा सही सही किए हैं तो इसमें मार्क्स कटते नहीं हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न एक यहाँ पर समाप्त हुआ। प्रश्न नंबर दो देखिए, प्रश्न नंबर दो क्या कह रहा है, एक ऐसे सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, एक ऐसे सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों की लंबाई 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या कहा है, एक समचतुर्भुज है, होता है समचतुर्भुज, देखिए कैसा होता है, या सबसे पहले उसको देख लेते हैं हम। ये मान लीजिए हमने क्या बना दिए, समचतुर्भुज बना दिए, इसके ये दिए विकर्ण, ये वाला विकर्ण है, ये दूसरा ये विकर्ण है, दो विकर्ण हो गए, एक विकर्ण को D1 कहते हैं, दूसरे विकर्ण को D2। ये हो गया D1 और ये क्या हो गया D2। तो ये दोनों विकर्ण हो गए आपके। अब क्या दिए, विकर्ण दिया हुआ है आपको, क्या क्या करने का है, उसे सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र याद होना अनिवार्य है आपको। सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 पहला विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण। और विकर्ण को कैसे दर्शाते हैं हम, यहाँ पे पहला विकर्ण को D1 से दर्शाए और दूसरे विकर्ण को D2 से। तो देखिए पहला विकर्ण D1 बराबर कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण D2 बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर। फिर क्या करेंगे हम, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुणित D1 गुणित D2। अब फिर यहाँ पे हम D1 और D2 का मान रख देंगे, ये 1/2 जैसा का वैसा लिख दिए, गुणित D1 का मान कितना है 12, तो ये 12 लिख दिए, और D2 का मान कितना है 10, तो ये D2 के नीचे 10 लिख दिए। तो क्या हो गया, 1/2 गुणित 12 गुणित 10। अब जो दो का भाग जिसमें जाता है उसमें दे दीजिए, दो का भाग 12 में भी चल जाएगा और 10 में भी, लेकिन हमने यहाँ पे किसका दिए, दो का भाग 10 में दिए, 2 × 5 = 10। अब ऊपर की संख्या क्या क्या बची, नीचे से भाग दे दी दो का, तो नीचे की संख्या समाप्त हो गई, नीचे बस एक बचेगा। अब ऊपर क्या बचा, 12 गुणित और ये 2 का भाग 10 में दिया कितना आया 5, तो ये 5, 12 गुणित 5, 12 का 5 गुणा कितना हो जाएगा, तो 12 कम 12, 12 दून 24, 12 36, 12 चौके 48, 12 × 5 = 60। तो ये क्या आ गया 60, और क्षेत्रफल कायम रहता है, वर्ग में रहता है, तो ये क्या लिख देंगे, वर्ग सेंटीमीटर। यदि यहाँ मीटर रहता तो हम यहाँ वर्ग मीटर लिख दें, इसकी इकाई सेंटीमीटर में है, इसकी इकाई सेंटीमीटर में है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से लास्ट में फिर एक लाइन लिख देंगे, आप क्या लिख देंगे लास्ट में, लास्ट में लिख देंगे, अतः सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है। इस प्रकार आपका प्रश्न दो था सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने वाला। तो हम इस प्रकार से यहाँ पे सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो ठीक है, ये प्रश्न क्रमांक दो यहाँ पे समाप्त हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें घन का आयतन ज्ञात करने को कहा है, तो यहाँ पे हमें घन का आयतन ही ज्ञात करना, लेकिन घन का और भी सूत्र होते हैं, जैसे घन के आयतन का होता है, घन के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है, घन के विकर्ण का सूत्र होता है, ये सभी सूत्र याद होना चाहिए। घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा का घन, यानी कि जो भुजा होती है उसका घन। घन में सभी भुजाएँ कैसी होती हैं, समान होती हैं। घन में शीर्ष कितने होते हैं, घन की किनारे कितने होते हैं, घन की फलके कितनी होती हैं, ये सभी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। तो घन में शीर्ष कितने होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं, फलक 6 होती है और किनारे 12 होते हैं। तो लेकिन अब हमें यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि उसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, इसलिए यहाँ पर एक भुजा दी रहेगी। तो भुजा इसको ए से भी दर्शाते हैं, भुजा को ए से भी दर्शाते हैं। तो यहाँ पे भुजा दिया जो है उसको लिख देते हैं, भुजा ए बराबर कितनी दी है 5 सेंटीमीटर। और क्या ज्ञात करने को है, घन का आयतन। तो घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा का घन, और हमारी भुजा कितनी दी है 5, तो 5 का घन। और 5 का घन यानी 5 कितनी बार गुणा होगा, 3 बार, 5 गुणित 5 गुणित 5। अब इनका गुणा कर देते हैं, 5 × 25
पच्चीस पंचे 125, 125 हो गया ये। और इसकी आयतन कायम होता है घन में, क्योंकि देखो घन क्यों आया है, देखो 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कितने बार गुणा होगा, 3 बार, तो इसलिए उसे क्या कहेंगे, घन सेंटीमीटर। तो घन का आयतन क्या हो गया, 125 घन सेंटीमीटर। लास्ट में एक लाइन लिखना है, अतः घन का आयतन बराबर 125 घन सेंटीमीटर है। इस प्रकार से ये पेपर में भी आपको पेपर प्रश्न आ सकते हैं, ये घन वाले बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये प्रश्न 8वीं तक ही सीमित नहीं है, ये प्रश्न आपके लिए 9वीं में भी है, 10वीं में भी है, बिल्कुल सेम यही घन, घनाभ, समचतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, बेलन, ये सभी आपके 8वीं 9वीं 10वीं सभी क्लासों में आना है और सेम सूत्र वही लगना है, इसलिए आप तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए। तो इस प्रकार से बच्चों अपने हमने यहाँ पे प्रश्न 3 का क्या हल किए, क्या था घन का आयतन ज्ञात कर, हमने घन का आयतन कैसे निकालते हैं ये आपको बताया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 18 सेंटीमीटर का वर्ग है और जिसका आयतन 90 सेंटीमीटर का घन है। क्या कहा है प्रश्न को, प्रश्न को जब तक बार बार आप समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो आपको बनेगा नहीं। प्रश्न क्या कह रहा है, एक घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, घनाभ की ऊंचाई। घनाभ में तीन लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीन होती हैं और जो अलग अलग होती हैं, जिसके आधार का क्षेत्रफल, किसके आधार का क्षेत्रफल, घनाभ के आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है, 18 वर्ग सेंटीमीटर, और जिसका आयतन कितना दिया है, 90 घन सेंटीमीटर। किसका आयतन है, घनाभ का, और आधार का क्षेत्रफल भी घनाभ का है। तो सबसे पहले जो जो दिया रहता है वो लिख देते हैं, क्या दिया हुआ है, घनाभ का क्षेत्रफल कितना है, 18 सेंटीमीटर का वर्ग है, वर्ग सेंटीमीटर पढ़ेंगे। घनाभ का आयतन कितना दिया है, 90 घन सेंटीमीटर दिया है, और हमें ऊंचाई ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे हम, घनाभ के आयतन में आधार के क्षेत्रफल का भाग दे देंगे, तो आपको क्या मालूम हो जाएगी, घनाभ की ऊंचाई मालूम हो जाएगी। तो कैसे लिखते हैं देखिए, घनाभ की ऊंचाई बराबर घनाभ का आयतन भागित आधार का क्षेत्रफल। किसका आधार है ये भी ध्यान होना चाहिए आपको, घनाभ का आधार है। घनाभ का आयतन कितना दिया है, 90 दिया है, और आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है, 18। अब 18 का भाग 90 में देंगे तो हमें पहाड़े भी आना चाहिए, हम 8वीं तक, 8वीं क्लास में, तो हमें पहाड़े कम से कम 20 तक याद होना चाहिए। 18 पंचे क्या होता है, 90 होता है, तो हमने 18 पंचे 90, 18 का भाग हमने 90 में दी, कितने बार गया, 5 बार। यदि वैसा नहीं बनता तो हम छोटी संख्या से इसको क्रॉस कर सकते हैं। तो ये आ गया आपका 5 सेंटीमीटर, और ये 5 सेंटीमीटर क्या है, घनाभ की ऊंचाई। लास्ट में लिख देंगे आता घनाभ की ऊंचाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 4 यहाँ पे हल हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 देखिए, क्या दिया प्रश्न नंबर 5, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 42 वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। समानांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 8 सेंटीमीटर, तो दूसरी समानांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न को हमने अभी बताया आपको कि प्रश्न को कम से कम एक दो बार आप पढ़ के देखिए कि उसमें क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है और कौन सा सूत्र लगेगा, ये हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया है, 42 वर्ग सेंटीमीटर, ऊंचाई दी है 6 सेंटीमीटर और लंबाई दी है एक समानांतर भुजा में से एक की लंबाई दी है 8 सेंटीमीटर। दो भुजा होती हैं जिसमें एक भुजा की लंबाई दी है 8 सेंटीमीटर और आपको दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो जो दिया हुआ लिख लेते हैं, लिख लिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 42 वर्ग सेंटीमीटर, ऊंचाई को h से दर्शाते हैं तो ऊंचाई h बराबर 6 सेंटीमीटर, और एक भुजा जो दी है, एक भुजा की लंबाई जिसे हम नाम दे दी a बराबर 8 सेंटीमीटर, और जो दूसरी भुजा ज्ञात करना है उसे b नाम दे देंगे। तो इस प्रकार से आपने ये लिख दिए। फिर समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल कितना दिया, 42 वर्ग सेंटीमीटर, और उसका सूत्र नीचे रख देंगे, 1/2 गुणित h गुणित कोष्टक में a धन b, यानी 1/2 गुणित ऊंचाई गुणित कोष्टक में पहली भुजा धन दूसरी भुजा, और ये दिया हुआ है उसका क्षेत्रफल 42। अब क्या करेंगे आप, यहाँ पे जो आपकी ऊंचाई h है उसका मान रख देंगे, ऊंचाई h बराबर 6 है तो ये 6 लिख दिए, गुणित कोष्टक में a का मान दिया है 8, धन b का मान नहीं मालूम है हमें, जो दूसरी भुजा है वो हमें नहीं मालूम, वो ज्ञात करना, तो b जैसा का वैसा बराबर 42।
अब क्या करेंगे, ये दो से छः को काट दिए, दो दुतिया छः, तीन बार कट गया, तो ये हम क्रॉस किया ऐसा, और यहाँ पे छः को और यहाँ तीन लिख दिए। तो अब बचा क्या वो देख लेते हैं, यहाँ बचा तीन, ये गुणित आठ, कोष्टक में आठ धन बी बराबर 42। अब ये तीन गुणा में इसको पक्षांतर करेंगे तो काहे में चल जाएगा, भाग में, तो यहाँ क्या बचेगा, आठ धन बी बराबर 42 भागी 3। ये गुणा में था तो काहे में चले गया, भाग में, तो 42 भागी 3। अब तीन का भाग देंगे, 42 में 3 एकम 3, बज गया 1 3 चौके 12, कितने बार जाएगा, 3 का भाग 42 में 14 बार जाएगा। अब जो यहाँ पे आया उसको नीचे वाला लाइन लिख दीजिए, ये लिखे हमने 8, फिर बी लिखे बराबर 14, ये बी लिख दिए, बी यानी दूसरी भुजा बराबर 14 धन 8 का हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ऋण 8 हो जाएगा। तो बी बराबर क्या होगा, 14 ऋण 8, तो बी बराबर क्या हो गया, 6 सेंटीमीटर। तो आखिरी में आप लिख देंगे जो ज्ञात करने के लिए कहा था, क्या ज्ञात करने कहा था, समानांतर चतुर्भुज की दूसरी भुजा की लंबाई, तो अतः समानांतर चतुर्भुज की दूसरी भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। इस प्रकार आपका प्रश्न क्रमांक 5 यहाँ पे हल हुआ। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 6 क्या कह रहा है, प्रश्न क्रमांक 6 आ गया, बेलन है, तो बेलन तो आपने देखे होंगे, बेलन में लंबाई होती है, ऊंचाई होती है जो, और त्रिज्या होती है, त्रिज्या को आर से दर्शाते हैं, और पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके सूत्र होते हैं, बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर वर्ग एच, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर कोष्टक में आर धन एच, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। तो इस प्रकार से बेलन के तीन सूत्र बनते हैं, ये तीनों सूत्र याद होना चाहिए, कौन कौन से होते हैं देख लीजिए, तीन सूत्र फिर से एक बार बता दे रहे हैं, बेलन के आयतन का सूत्र क्या हो गया, आयतन को वी से दर्शाते हैं, आयतन बराबर होता है पाई आर वर्ग एच, और उसका संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र, पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर कोष्टक में आर धन एच, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 2 पाई आर एच। इस प्रकार से ये बेलन में तीन सूत्र होते हैं, तीनों सूत्र याद होना अनिवार्य है। अब देखिए अब हमारे प्रश्न में क्या क्या है, पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं, उस प्रकार से उसे हल करेंगे। एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए कहा है, जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और पृष्ठीय क्षेत्रफल 1936 वर्ग सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले जो प्रश्न में दिया है वो लिख लेंगे हम, और क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले देख लीजिए बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना, बेलन की ऊंचाई को एच से दर्शाते हैं, एच बराबर ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दी जिसे हमें ज्ञात करना है। उसके बाद त्रिज्या, त्रिज्या को क्या दर्शाते हैं, आर, आर बराबर हो गई है 14 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 1936 वर्ग सेंटीमीटर, ये आप सबसे पहले दिया है, मैं लिख दिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र, लेकिन हमको क्या दिया है यहाँ पे, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 1936 सेंटीमीटर का वर्ग। आपको हम यहाँ पे लिख के नहीं बता पा रहे हैं, तीर के माध्यम से बता रहे हैं कि कहाँ पे कैसा लिखे हैं। सबसे पहले आप ये दिया है पूरा लिख देंगे, उसके बाद हम करेंगे क्या, उसको पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे बराबर 1936 सेंटीमीटर का वर्ग, और उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र को नीचे लिख देंगे। बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर कोष्टक में आर धन एच, ये लिखे हमने 2 पाई आर कोष्टक में आर धन एच बराबर 1936। अब क्या करेंगे हम, 2 पाई का मान क्या रख देंगे, 22/7। पाई का मान क्या होता है ये भी याद होना चाहिए, पाई का मान होता है 22/7, और एक मान होता है पाई का 3.14। यदि प्रश्न में 3.14 दिया हुआ है कि पाई का मान 3.14 रखिए, तभी आप उसका मान रखेंगे, नहीं तो अन्यथा आप पाई 22/7 ही रखते जाएंगे। गुणित आर का मान कितना, 14, देखिए आर का मान 14, फिर यहाँ पे आर का मान 14 और एच का मान हमें ज्ञात करना है बराबर 1936। देखो ये 7 से 14 क्रॉस हो जाएगा, 7 दूनी 14, दो बार क्रॉस हो गया,
अब क्या करेंगे, दो गुणित 22 गुणित दो, तो अभी दो का 22 में गुणा की 44, और 44 का दो में गुणा की तो 88, गुणित कोष्टक में 14 धन 8 बराबर 1936। 14 धन 8 जैसा का वैसा, 1936 के भागित में 88 आ गया। क्यों आ गया भागित में? क्योंकि गुणा में क्या है, यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, जब पक्षांतर करते हैं तो क्या में जाता है, भाग में जाता है। तो देखिए यहाँ पे हमने 88 का पक्षांतर किए तो 1936 बटे 88, और यहाँ क्या बचा, 14 धन h बराबर 1936 भागित 88। अब क्या करेंगे आप यहाँ पे, ये इसको 1936 में 88 का भाग देंगे, 1936 भागित 88 ऋण, ये धन 14 का हम पक्षांतर कर दिए तो क्या हो गया, ये ऋण 14 हो गया। अभी हो गया 1936 भागित 88 ऋण 14। अब 88 का भाग अब 1936 में आप रफ कॉपी में करके देखे देंगे तो क्या जाएगा, 22 बार जाएगा। पहले दो से क्रॉस कर लीजिए, जितने बार क्रॉस होता है, जब हम इसको क्रॉस करेंगे तो 88 का भाग, इस 88 का भाग कितने बार जाएगा, 22 बार जाएगा, और ऋण 14, 22 में 14 घटा दीजिए क्या जाएगा, h। तो h का मान क्या आ गया, 8 सेंटीमीटर। और लास्ट में लिख देंगे अतः बेलन की ऊंचाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर। इस प्रकार आपका प्रश्न क्रमांक 6 यहाँ पे हल हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7। थोड़े से प्रश्न बड़े हैं और यहाँ पे जो लिखने के लिए जगह दिया है वह कम है, तो थोड़ा सा समझते हुए आप अपनी कॉपी में भी इस प्रकार से नोट कर सकते हैं, क्योंकि इनको छोटा नहीं किया जा सकता, यदि छोटा करते हैं तो आपके समझ नहीं आएगा। देखिए प्रश्न क्रमांक 7, एक मछली घर घनाभ के आकार का है। जो मछली का घर है वो किसके आकार का है, घनाभ के आकार का है, जिसकी बाह्य माप 17 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है, 70 सेंटीमीटर गुणित 30 सेंटीमीटर गुणित 50 सेंटीमीटर। इसके तल पृष्ठ भाग वाले फलक और पिछले वाले फलक को रंगीन कागज से ढकना है। इसको तल को भी ढकना है, पृष्ठ भाग वाले फलक को भी, और पिछले वाले फलक को भी रंगीन कागज से ढकना है। तो आवश्यक कागज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि उसको ढकने के लिए कितने कागज की आवश्यकता पड़ेगी ये हमें ज्ञात करना है, उस कागज का क्षेत्रफल। जब तक उस कागज का क्षेत्रफल नहीं मालूम होगा तो हमें उसे ढक नहीं पाएंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो मछली घर है, मछली घर कैसा है, घनाभ की आकृति का है, तो घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई लिख लेंगे, जो दी हुई है, लंबाई दी है जिसे एल से दर्शाते हैं 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई बी दिया है 30 सेंटीमीटर, ऊंचाई एच दिया है 40 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, सबको अलग अलग, क्योंकि जो घनाभ है, घनाभ की प्रत्येक फल के कैसी होती हैं, आयताकार होती हैं, तो हम सबसे पहले आधार का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेंगे, जो घनाभ है उसके आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई होगा उसका सूत्र। तो लंबाई 80 है, चौड़ाई 30 है, 80 गुणित 30, 80 का 30 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2400। देखो ये 2 शून्य लिख दिए और 8 तीरी 24, 2400 वर्ग सेंटीमीटर। फिर पृष्ठ वाले फलक का क्षेत्रफल, जो पृष्ठ भाग वाले फलक का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो पृष्ठ वाले फलक का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका बी गुणित एच एंड चौड़ाई गुणित ऊंचाई, चौड़ाई कितनी है 30 और ऊंचाई कितनी 40, 30 का 40 में गुणा करेंगे तो 1200 सेंटीमीटर का वर्ग आ जाएगा। अब पिछले वाले फलक का क्षेत्रफल, तो पिछले फलक में क्या आएगी, लंबाई गुणित ऊंचाई आएगी, पिछले फलक में क्या आएगी, लंबाई गुणित ऊंचाई आएगी, लंबाई कितनी 80 है गुणित चौड़ाई ऊंचाई कितनी 40, 80 का 40 में गुणा की 3200। अब जो वांछित क्षेत्रफल ज्ञात करना जितने की आवश्यकता है, तो हम उसको कैसे निकालेंगे ये देख लीजिए। तो सबसे पहले हम ये एल बी मीन्स क्या हो गया, एल बी यानी आधार का क्षेत्रफल, धन बी एच पृष्ठ वाले फलक का क्षेत्रफल, धन दो एल बी। तो एल बी क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में मिस हो गया है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एल बी लिख दिए ठीक है, धन बी एच, तो यहाँ बी एच नहीं आएगा, यहाँ पे एल एच आएगा, यहाँ पे क्या जाएगा आपका एल एच, यहाँ पे सुधार कर लेंगे आप, यहाँ पे ये बी एच के स्थान पे क्या आएगा, एल बी आएगा, क्या आएगा एल बी, और ये एल बी के स्थान पे क्या जाएगा
बी एच, तो ये क्या बनेगा देखिए यहाँ पे, एल बी धन सॉरी एल यहाँ पे एल एच आएगा। फिर से यहाँ ध्यान रखेंगे आप, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल बी यानी आधार का क्षेत्रफल धन पिछले वाले भाग पिछले वाले फलक का क्षेत्रफल, एल एच धन दो गुणित यहाँ पे आ जाएगा आपका बी एच, यहाँ पे बी जहाँ पे बी एच लिखा है वहाँ एल बी आ जाएगा। यहाँ पे सूत्र लिखने में हमने मिस कर दिए हैं, इसको आप सुधार लेंगे, ये हो जाएगा आपका एल बी धन एल एच और कोष्टक धन कोष्टक में दो बी एच, ये लिख देंगे आप, कोष्टक बंद कर देंगे। तो ये थोड़ा सा यहाँ लिखने में मिस है, आप इसको सुधार लेंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एल बी का मान कितना रखे, 2400, ये आया एल बी का मान 2400। फिर यहाँ पे ये बी एच का मान नहीं है, एल एच का मान कितना आ गया 3200 धन दो गुणित यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या बी एच, बी एच का मान क्या आ जाएगा 1200। इस प्रकार से आप 2400 3200 और 2 का 1200 गुणा किए 2400, 2400 धन 3200 धन 2400, इसको जोड़े तो कितना आ गया 8000 घन सेंटीमीटर। इसके प्रकार आप वांछित क्षेत्रफल निकाल लिए, तो ये हो गया उसका वांछित क्षेत्रफल। थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखेंगे बच्चों, यहाँ सुधार कर लेंगे, इसको हम यहाँ पर लिख के बता रहे हैं, इसको यहाँ क्रॉस कर दिए, देखिए इसका जो वांछित क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा, एल बी धन एल एच धन दो कोष्टक में बी एच, ये आप सुधार लेंगे। देखिए यहाँ एल बी कितना हमारा 2400 धन एल एच कितना है 3200 धन दो बी एच कितना है 1200 हो गया। अब ये 2400 धन 3200 धन दो का 1200 गुणा किए 2400, और जब सबको जोड़ देंगे 24 24 48, 48 में 200 जोड़े तो 5000, 5000 3000 जोड़े तो 8000, इस प्रकार से 8000 आ जाएगा। ये यहाँ पे थोड़ा सूत्र में हमने लिखने मिस किए हैं, आप ये इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। एक घनाभ की विमाएँ 60 सेंटीमीटर 54 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है, इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन बनाए जा सकते हैं। तो छोटे घनों की संख्या ज्ञात करना, तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, जो घनाभ का आयतन है उस घनाभ के आयतन में किसके घन के जो एक घन बन रहा है उसके आयतन का भाग दे देंगे, तो हमें क्या मालूम हो जाएगा छोटे घनों की संख्या। देखिए यहाँ पे घनाभ की विमाएँ दी हैं 60 सेंटीमीटर गुणित 54 सेंटीमीटर गुणित 30 सेंटीमीटर और घन की भुजा दी है 6 सेंटीमीटर, तो हम क्या लिखेंगे, छोटे घनों की संख्या बराबर घनाभ का आयतन भागित घन का आयतन। घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, और घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा का घन। अब लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई दी हुई है, यहाँ 60 सेंटीमीटर गुणित 54 सेंटीमीटर गुणित 30 सेंटीमीटर, ये लिख दी 60 गुणित 54 गुणित 30 और 6 का घन, यानी 6 क्या है, घन की भुजा है, तो 6 का घन लिख दिए, ये लिख दिए हमने ये। इसके बाद क्या किया हमने, 60 गुणित 54 गुणित 30 जैसा का वैसा, और 6 की घात 3 है तो उसको कितने बार लिख दिए, 3 बार, 6 गुणित 6 गुणित 6। अब इस 6 से हम काट दिए, 6 से 60 को काटे कितने बार, 10 बार, एक 6 से दूसरे 6 से 54 को काटे कितने बार कटा, 9 बार, फिर 6 से 30 को काटे कितने बार कटा, 5 बार। देखो एक 6 से 60 में भाग दिए 10 बार गया, एक 6 से 54 में भाग दिए 9 बार गया, एक 6 से 30 में भाग दिए 5 बार गया। अब जो आया उसको यहाँ नीचे लिख दिए, क्या बच 10 गुणित 9 गुणित 5, 9 पना 45 और 45 का 10 गुणा करेंगे तो 450 घन। तो छोटे घनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 450 घन होंगे।
इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक यहाँ पे 8 समाप्त हुआ। इसके बाद अगला प्रश्न आता है प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 दिया, एक भवन में 18 बेलनाकार खम्भे हैं। एक भवन है उसमें कितने बेलनाकार खम्भे हैं? 18 बेलनाकार खम्भे। प्रत्येक खम्भे की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर, जो जितने भी खम्भे दिए उनकी त्रिज्या कितनी दी है? 35 सेंटीमीटर दिए। ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सभी खम्भों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। सभी खम्भों पर क्या हो रहा है? पेंट कराना है। कितने खम्भे? 18 खम्भों पर। और किस दर से? प्रति वर्ग मीटर, एक वर्ग मीटर में 9 रुपये लग रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इस जो खम्भा है बेलनाकार खम्भे, इसका क्या निकाल लेंगे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। जब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसमें 9 का गुणा कर देंगे। तो हमें क्या मालूम हो जाएगा कि कितने रुपये पेंट कराने का व्यय है। तो अब सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, उसके जो जो दिए हैं प्रश्न में क्या दिए हैं, खम्भे की त्रिज्या दी है 35 सेंटीमीटर ये दी है। तो खम्भे की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 मीटर है, तो इनकी इकाइयाँ समान करना पड़ेगा। सेंटीमीटर को मीटर में बदल दीजिए या मीटर को सेंटीमीटर। जब तक इकाई समान नहीं होगी ऊंचाई और त्रिज्या की, तब तक इसको आगे हल नहीं कर सकते। तो खम्भे की त्रिज्या दी है आर बराबर 35 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर कायम बदल रहे हैं मीटर में, तो एक मीटर कितने सेंटीमीटर होते हैं? एक मीटर कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 35 सेंटीमीटर, देखो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो 35 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 0.35 मीटर। तो ये 100 का भाग दे दी इसमें, तो क्या आ गया? 0.35 मीटर। ऊंचाई कितनी दी? 5 मीटर। अब इसका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? हमने पहले ही बताया आपने कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRH, तो 2 ये लिख दी, पाई का मान 22/7 रख दी, आर का मान कितना है? 0.35 गुणित एच कितना है? 5, ये लिख दी हमने। ये 2 का मान 2 रख दी, पाई का मान 22/7, आर का मान 0.35, एच का मान 5 रख दी। अब 7 का भाग हम 0.35, पहले हम बिना दशमलव के भाग देते हैं, 7 का भाग 35 दी, 5 बार गया। और कितनी संख्या बाद? दशमलव 2 संख्या बाद, जबकि यहाँ 5 एक संख्या आ रही है, तो 5 के पहले एक शून्य लगा दीजिए और फिर दशमलव लगा दीजिए, तो 0.05। तो ये क्या हो गया, नीचे सब संख्या सब कट गई, अब ऊपर क्या बचा? 2×22×0.05×5। अब देखिए यहाँ पे 2 का 22 में गुणा कीजिए, 22×2=44 गुणित 0.05 का 5 में गुणा की, 5×25 आ गया। कितनी संख्या बाद? दशमलव 2 संख्या बाद, तो ये 0.25। और 44 का गुणा 0.25 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 11.00। कितना आ गया? 11.00 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये क्या आ गया आपका? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब पेंट कराने का व्यय निकालना, तो एक वर्ग सेंटीमीटर में कितने रुपए लग रहे हैं? 9 रुपए। इसलिए 11 वर्ग सेंटीमीटर में क्या करेंगे? 11 का 9 में गुणा कर देंगे, 11×9=99 रुपये। एंड पेंट कराने का व्यय कितना आ जाएगा? 99 रुपये लास्ट में लिख देंगे। इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 9 समाप्त हुआ। और इस अध्याय जो आपका 11 है, 11 अध्याय क्षेत्रमिति का अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 क्या दिया है? 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज की चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। प्रश्न को फिर से पढ़िए। 21 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक आयताकार कागज को चौड़ाई के अनुदिश, यानी कि जो बेलन की ऊंचाई है वो क्या कहलाएगी? उसकी चौड़ाई कहलाएगी, क्योंकि उसको मोड़ के क्या बनाया जा रहा है? बेलन, आयताकार कागज को मोड़ के क्या बनाया जा रहा है? बेलन बनाया जा रहा है। तो ये 21 सेंटीमीटर जो चौड़ाई है वो उसकी क्या कहलाएगी? ऊंचाई कहलाएगी। और ये अंदिश मोड़ का 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, तो त्रिज्या कितनी है? 30 सेंटीमीटर। अब कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ लिख देंगे बेलन की चौड़ाई बराबर होती बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 21 सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितनी होगी? 30 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है प्रश्न में। अब हम क्या करेंगे? बेलन के आयतन सूत्र लगा देंगे। बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर वर्ग एच। आपको इसके पहले बताएं कि आपको बेलन के 3 सूत्र होते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और
आयतन। तो बेलन का आयतन सूत्र पाई आर वर्ग एच हो गया। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, 2πr कोष्टक में आर धन एच। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2πr h। इस प्रकार तीनों सूत्र याद होना चाहिए और इस अध्याय में तीनों सूत्र का उपयोग हुआ है। अब देखिए यहाँ पे पाई आर वर्ग एच लिखती, पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान 30 का वर्ग, गुणित एच हो गया 21। अब 7 से 21 कितने बार कट गया, 3 बार कट गया। अब क्या बचा, 22 गुणित 30 का वर्ग होता है 900 और यहाँ पे 3 आ गया। अब इनका क्या करेंगे, गुणा कर देंगे हम, 9 3 2700, 900 का 3 में गुणा की 2700 और 2700 का गुणा हम 22 में करेंगे, 2 शून्य लिख दिए, 2754 की 4 हासिल की 5, 2754 और 5 59 कितना आ गया, 59400 घन सेंटीमीटर। ये क्या आ गया आपका बेलन का आयतन, लास्ट में क्या लिख देंगे, अतः बेलन का आयतन कितना है, 59400 घन सेंटीमीटर। इस प्रकार से इस अध्याय का अंतिम प्रश्न समाप्त हुआ यहाँ पे। यदि आपको हमारे द्वारा जो प्रश्न समझाए गए हैं, इन प्रश्न यदि आपको समझ आए हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर कीजिए और ध्यान से इन प्रश्नों को बार बार घर में हल कीजिए, क्योंकि यही प्रश्न आपके एडगेट अभ्यास पुस्तिका से ही पेपर में अधिकतर प्रश्न आएंगे। ठीक है।